बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैकेनिक्स बीएससी मैथ्स, आज हम चैप्टर 10 का स्टार्ट करेंगे। इसमें है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? मोशन ऑफ ए बॉडी इन अ वर्टिकल प्लेन अंडर इट्स ओन वेट इज नाउन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को आपने सिंपली इस तरह अंडरस्टैंड करना है कि जब आप एक फ़ुटबॉल को हिट करते हैं तो वो हवा में कुछ देर बुलंद होता है और एक साइड से दूसरी साइड पर जाके क्या करता है, गिरता है। तो उसकी जो मोशन होती है ना, वो एग्जैक्टली क्या होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। या फिर जो बिलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह होते थे, अनपावर्ड अनगार्डेड मिसाइल, अगर आप थ्रो करते हैं या गोला आप थ्रो करते हैं किसी गन से, तो उनकी जो मोशन थी वो भी क्या थी? प्रोजेक्टाइल मोशन होती थी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। ये ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है। तो अभी हम इसको देखते हैं, इसके कुछ रिजल्ट हम यहाँ से डिराइव करेंगे और फिर उनको यूज़ करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये सपोज कर लें, आपके पास ये वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजेंटल को हम एक्स एक्सिस कह देते हैं और वर्टिकल को हम क्या कह देते हैं, वाई एक्सिस। अब हम एक पार्टिकल है उसको, या बॉडी है उसको, हम ओ पॉइंट से क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं ये। तो इस पाथ को फॉलो करता हुआ ये पार्टिकल क्या करेगा, वापस जाके ग्राउंड पे गिरेगा। ये इसकी जो मोशन है, इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट हो गया। ये क्या है इसकी? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जिस पाथ को ये फॉलो कर रहा है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये सपोज कर लें ये बॉडी यहाँ पे है, तो इनिशियली जब हमने जो वेलोसिटी इसको दी है उसको हम वी नॉट कह देते हैं। दिस इज टेंजेंशियल टू दिस कर्व, ये वी नॉट है, और इसका हॉरिजेंटल के साथ हम एज्यूम कर लेते हैं कि एंगल कितना है, अल्फा है। तो इनिशियली एंगल अल्फा बनाते हुए वेलोसिटी वी नॉट के साथ हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज इट्स वेट विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसके ऊपर सिर्फ इसका वेट एक्ट कर रहा है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसके अलावा कोई और फोर्स इस पार्टिकल पे एक्ट नहीं करेगी। अब चूंकि ये प्लेन मोशन है तो इसके दो पैरामीटर्स होंगे, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस कुछ चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, कुछ अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो पहले हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर करता है। इस डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे? जनरली एक्स से डिनोट करेंगे, राइट हो गया। और वर्टिकल के अलॉन्ग जो डिस्टेंस कवर करेगा, ये वर्टिकल हाइट अटेन करेगा, इसको हम y से डिनोट करते हैं सो फार। तो ये आपके पास दो तरह के डिस्टेंसेज कवर कर रहा है, x के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग। तो अब ये दो डिस्टेंसेज हैं, एक अलॉन्ग x एक्सिस है, दूसरा अलॉन्ग y एक्सिस है, और इनको हम इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, डिटरमिन करेंगे। और उसके बाद वहाँ से कुछ और जनरल रिजल्ट हम डिटरमिन करते हुए फिर हम प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करेंगे। तो अब पहले हम मोशन को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग x एक्सिस, राइट हो गया, अलॉन्ग x एक्सिस, ठीक है। बल्कि हम पहले कुछ थोड़ा बहुत लिख लेते हैं इसका, इस मोशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड विद विलॉसिटी वी नॉट making angle alpha with the horizontal with the horizontal, right हो गया। तो मास m में पार्टिकल की v नॉट velocity के साथ हमने प्रोजेक्ट किया है और हॉरिजेंटल के साथ ही एंगल अल्फा बना रहा है। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोशन अलॉन्ग x एक्सिस, मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक चीज नोट करिएगा कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रही इस बॉडी पे, जब फ्लाइट में ये बॉडी, तो सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रही है। हम एयर फ्रिक्शन को हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल निगलेक्ट कर रहे हैं। तो इस बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रही है, दैट इज इट्स वेट, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो अब चूंकि फोर्स एक ही लग रही है, दैट इज वेट वर्टिकल, तो वर्टिकल के अलॉन्ग फोर्स लग रही है, हॉरिजेंटल के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रही। तो जब किसी बॉडी पे हॉरिजेंटल के अलॉन्ग फोर्स नहीं लग रही, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, बिकॉज ओनली वर्टिकल फोर्स इज एक्टिंग विच इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि बॉडी का क्या है, वेट है। आई बात की समझ के नहीं आई? तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग क्या होगा,
जीरो के इक्वल होगा। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आप जानते होंगे कि एक्सेलरेशन डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगी, डी वी ओवर डी एक्स ओवर टी, ये डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। अब डी वी एक्स जीरो डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दें तो डी और इंटीग्रल कट जाएंगे, तो वी एक्स जीरो का इंटीग्रल सी होता है कॉन्स्टेंट, राइट हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो होगा वी नॉट कॉस अल्फा, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का इट वुड बी वी नॉट साइन अल्फा। तो वी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी ना व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, अब इसको ज़रा बड़े गौर से देखिएगा, ये वी एक्स आपके पास कितना आ गया, सी वन आ गया, इसको हम वन का नाम दे देते हैं। व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा, तो इसको पुट करते हैं वी नॉट कॉस अल्फा इज इक्वल टू सी वन, तो वन इम्प्लाइज वन में ये वैल्यू पुट कर दें, तो वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा, तो इसको आप वन में पुट कर दें, सॉरी ये वी नॉट कॉस अल्फा सी वन की वैल्यू आई है ना, तो इसको हमने पुट कर दिया किस में, वन में। अब इसके बाद आपने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, सिंस डी एक्स अवर डी टी ये क्या होती है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो जब कभी भी आप डेरिवेटिव लेंगे किसका, डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, इस वैल्यू को यूज़ करें, तो ये आ गया वी एक्स की वैल्यू पुट करें वी नॉट कॉस अल्फा, वी नॉट कॉस अल्फा, तो डी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा इन टू डी टी, इसको इंटीग्रेट करें, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा इन टू टी प्लस सी टू। व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, तो स्टार्टिंग में डिस्टेंस अलोंग हॉरिजेंटल, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस क्या है, जीरो है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस इसके बाद स्टार्ट होगा तो यहाँ तक मैक्सिमम होगा, तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस जीरो आ गया, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस सी टू, तो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा टी, तो ये आपके पास हॉरिजेंटल के अलोंग डिस्टेंस आ गया। तो हॉरिजेंटल के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वो वी नॉट कॉस अल्फा होगी, इट शोज के अलोंग हॉरिजेंटल जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, वेलोसिटी में किसी किस्म की वेरिएशन नहीं आएगी। स्टार्ट में भी वेलोसिटी वी नॉट कॉस अल्फा होगी और एट द एंड ऑफ द मोशन ये भी वेलोसिटी क्या होगी, वी नॉट कॉस अल्फा होगी। मीन टू से कि अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी की बात करें एक्स एक्सिस के अलोंग तो वो भी वी नॉट कॉस अल्फा, और फाइनल की अगर बात करें एक्स एक्सिस के अलोंग तो वो भी वी नॉट कॉस अल्फा ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये जनरल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया। आप देख सकते हैं वी एक्स एक्सिस के अलोंग सी वन कॉन्स्टेंट है, ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी क्या रहती है, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में कॉन्स्टेंट रहती है। अब हम बात करते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो अब वाई एक्सिस के अलोंग आप देखें बॉडी का जो वेट है वो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और बॉडी स्टार्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वाई एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो आप जानते हैं माइनस जी होता है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन वर्टिकल के अलोंग माइनस जी होगा, वर्टिकल के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस जी, तो इसको हम लिखते हैं ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, और डी वी वाई अवर डी टी इज इक्वल टू माइनस जी, डी वी वाई माइनस जी डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दें तो यह आ जाएगा वी वाई माइनस जी टी प्लस सी थ्री। तो व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो एट द स्टार्ट, स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का लेना है वी वाई वाला वी नॉट साइन अल्फा, ये स्टार्टिंग वेलोसिटी है व्हेन टाइम इज जीरो, तो इधर लिखें वी नॉट साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो प्लस सी थ्री, तो दिस इंप्लाइज अब सी थ्री की वैल्यू पुट करें तो ये वी वाई आपके पास कितना आ जाएगा माइनस जी टी प्लस वी नॉट साइन अल्फा, राइट हो गया। तो ये आपके पास वर्टिकल के लॉन्ग वेलोसिटी आ गई है जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। तो अब लास्ट है सिंस डी वाई अवर डी टी वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होगा उसका डेरिवेटिव जब टाइम के रिस्पेक्ट से लेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आएगी, डिस्टेंस का डेरिवेटिव आपको वेलोसिटी देता है, तो जब वाई के अलोंग डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे यानी डेरिवेटिव लेंगे वाई के अलोंग डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे तो ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस आएगी। अब आपने क्या करनी है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दिया गया माइनस जी टी प्लस वी नॉट साइन अल्फा,
अब डी वाई इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस वी नॉट साइन अल्फा इन टू डी टी। अब इंटीग्रेट करें इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस जी बाहर आ जाएगा टी डी टी प्लस वी नॉट साइन अल्फा इन टू डी टी। तो ये वाई इज इक्वल टू माइनस जी टी स्केयर बाय टू प्लस वी नॉट साइन अल्फा इन टू टी, ये आ गया। अब ये इसमें प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी फोर ऐड करेंगे तो इसको जरा सीधा करके लिख लेते हैं, वी नॉट साइन अल्फा इन टू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर प्लस सी फोर। वेन टी इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो, स्टार्ट में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो भी जीरो और हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी जीरो है, तो ये जीरो प्लस जीरो प्लस सी फोर, तो सी फोर इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो अब इसको सब्सिट्यूट करें तो वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा इन टू टी माइनस वन बाई टू जी टी स्केयर। तो ये आपके पास क्या आ गई, वर्टिकल के अलॉन्ग डिस्टेंस की इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से आप वर्टिकल के अलॉन्ग डिस्टेंस डिटर्मिन कर सकते हैं जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस के लिए एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा इन टू टी और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस मोशन की क्या आएगी, वी नॉट साइन अल्फा इन टू टी। ये दोनों डिस्टेंस की इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस है और वो इक्वेशन आपको वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस देगी। अच्छा जी, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। ये जो रेड कलर में आपको ये नजर आ रहा है ये पाथ है, ये कर्व पाथ जो फॉलो करेगा प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स होल फ्लाइट, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। तो इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होती है, जो डिस्टेंस की हमने इक्वेशंस निकाली है ना, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती हैं। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस, जाहिर सी बात है ये कर्व होता है तो कर्व की जो इक्वेशन होगी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा इन टू टी और वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा इन टू टी माइनस वन बाई टू जी टी स्केयर। तो ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। अब हम क्या करते हैं, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है उसको हम डिटर्मिन करते हैं। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म के लिए ना इसको वन टू का नाम दे दें, फ्रॉम वन, वन से आप क्या करेंगे टाइम की वैल्यू निकाल लें, टी इज इक्वल टू एक्स अवर वी नॉट कॉज अल्फा इन टू टी, इसको कर दें पुट इन टू, टू में इसको पुट करें तो ये y इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा एक्स अवर वी नॉट कॉज अल्फा माइनस वन बाई टू जी इन टू एक्स अवर वी नॉट कॉज अल्फा का होल स्केयर। तो ये वी नॉट को वी नॉट से काट दें तो y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा आ जाएगा माइनस वन बाई टू जी एक्स स्केयर सीकेंड स्केयर अल्फा अवर वी नॉट स्केयर विच इज रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये ट्रेजेक्ट्री की कौन सी फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म, राइट हो गया। तो ये आपने पैरामीट्रिक फॉर्म देखी, जब भी कोई पार्टिकल के साथ टाइम रिलेटेड होगा तो आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे टाइम के केस में, और अगर टाइम नहीं गिवन तो तब आप ये वाली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स होल फ्लाइट, पूरी फ्लाइट में जो टोटल टाइम बॉडी लेगा होल फ्लाइट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या है आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट हो गया। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से स्टार्ट करेगा पार्टिकल ओ से और वापस जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इस दौरान जो टोटल फ्लाइट बॉडी ने की है, इस फ्लाइट का जो भी टाइम होगा इस टाइम को हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट या इसको हम कहेंगे फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, पहले रेस्ट में था फिर मूव किया फिर दोबारा रेस्ट में आ गया,
रेस्ट टू रेस्ट, रेस्ट टू रेस्ट, रेस्ट में वाई क्या है, देखें दोनों केसेस में जीरो है, यहां पे भी वर्टिकल डिस्टेंस जीरो है, और जब दोबारा ग्राउंड से टकराएगा तो ग्राउंड पे तब भी वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, रेस्ट टू रेस्ट जीरो के इक्वल होगा। तो अब यहां पे वाई को जीरो पुट करें टू में, टू इंप्लाइज ये जीरो इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा इन टू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन टाइम आ रहा है, तो वी नॉट साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू जीरो, एक दफा टाइम को जीरो पुट करें, एक दफा वी नॉट साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी इसको जीरो के इक्वल पुट करें, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहां से टाइम ऑफ लाइट टी को अलग कर लें, टू वी नॉट साइन अल्फा ओवर जी, ये आपके पास टाइम ऑफ लाइट आ जाएगा, राइट हो गया। ये गिव्स टाइम ऑफ लाइट, ठीक है, ये आपको टाइम ऑफ फ्लाइट देगा, राइट हो गया। तो ये टी जीरो आया जब स्टार्ट में हाइट जीरो है, तो तब टाइम जीरो होगा, दोबारा जब ग्राउंड के साथ आके टकराएगा तो उस टाइम क्या होगा, टी इज इक्वल टू टू वी नॉट साइन अल्फा, ये आ गया। तो ये टाइम जो है ना सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट हो गया, कि कितने एंगल पे आपने लॉन्च किया है और किस वेलोसिटी के साथ लॉन्च किया है, ये दो बातें मिलके टाइम ऑफ फ्लाइट को डिसाइड करेंगी। क्या होगा, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, यानी यहां से स्टार्ट किया है बॉडी ने और यहां पे आके खत्म किया, तो ये जो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होगा, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज रेंज। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, यहां से लेकर यहां तक, फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। क्लियर होगी बात कि नहीं। सिंस ये देखें एक्स की इक्वेशन क्या आपके पास, ये एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा इन टू टी, एंड टी क्या है यहां पे, टू वी नॉट साइन अल्फा ओवर जी, इसको आप पुट करें एंड एक्स को आर पुट कर दें, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी की जगह पे पुट करेंगे और एक्स को रेंज के लिए आर से रिप्लेस कर देंगे, तो आर इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा इन टू टू वी नॉट साइन अल्फा बाय जी, तो इसको जरा सीधा करें तो यह आ जाएगा टू वी नॉट स्केयर साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर जी, तो आर इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर टू साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर जी, तो ये साइन टू अल्फा हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर साइन टू अल्फा ओवर जी। आर इज मैक्सिमम, रेंज कब मैक्सिमम होगी, व्हेन साइन की वैल्यू जब कितनी हो, वन के इक्वल हो, ठीक है, जब साइन वन के इक्वल होगा तो रेंज वुड बी मैक्सिमम। तो ये साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन कितना होता है 90 डिग्री, यह आ गया 90 डिग्री, और अल्फा वुड बी 45 डिग्री, तो अल्फा जब 45 होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, मैक्सिमम रेंज वुड बी वी नॉट स्केयर ओवर जी। तो ये आपके पास मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है, साइन टू अल्फा की जगह पे हमने वन पुट कर दिया। हम बात करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस की, दैट इज कॉल्ड हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट, इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। सिंस y किसके इक्वल है, v नॉट साइन अल्फा इन टू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। अब देखें, ये देखें t यहां पे जो लगेगा ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय 2, ये होगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये हाफ टाइम लगेगा क्योंकि ये बॉडी हाफ टाइम में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा और अगले टाइम में वापस ग्राउंड पे आएगा। तो ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, टू वी नॉट साइन अल्फा ओवर जी,
डिवाइडेड बाई टू, टू से कट गया तो t इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा और g आ गया। अब इसको इक्वेशन वन में यूज करेंगे। अच्छा जी, अब y की जगह पे h यूज करेंगे, v नॉट साइन अल्फा इंटू टी, कितने हमारे पास v नॉट साइन अल्फा और g माइनस हाफ g v नॉट साइन अल्फा और g का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और जी माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और टू जी। एलसीएम लें इसका तो ये आपके पास आ जाएगा टू वी सॉरी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और टू जी। तो अब ये आपने फार्मूला से कुछ टाइम ऑफ लाइट रेंज हाइट और पैरामीट्रिक इक्वेशन रेक्टेंगुलर इक्वेशन ये रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये आपने 5-6 फार्मूलाज हैं जो याद करने, इनको बेस बनाकर हम सारे के सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे।